हेलो भाइयों, तो मैं हूँ अंकित धाकड़। आज हम खड़े हैं बोलेरो ZX कैंपर के सामने। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उन सब कारों उस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं चीज़ में आपको बताता हूँ, तो जो इस कैंपर को खरीदने वाले जो मेन लोग होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जो मतलब जिनके दो चार जेसीबी वगैरह की एलएनटी वगैरह चल रही होती है, तो वो इसको कंसिडर करते हैं। या फिर जिनका जो मतलब दूध वगैरह का इसका बिजनेस होता है, तो मेन ये उन्हीं को पॉइंट करके ज़्यादातर वही लोग इसको खरीदते हैं। मतलब महिंद्रा ने इसको क्या पॉइंट करके बनाया है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेन है वही लोग इनको खरीदते हैं। जैसे अपने खुद के पास भी, जैसे एक टाइम पर पहले जेसीबी वगैरह थी, तो अपन की पहली प्रेफरेंस बोलेरो कैंपर ही था। तो लोग उसको प्रीफर क्यों करते हैं उन सब कारों में वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसमें मेन ऐसा क्या क्या मिल जाता है आपको। मेन चीज़ तो उसकी प्राइसिंग है। देखो, सबसे पहली बात तो उसकी प्राइसिंग, क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आपको ये पड़ता है। तो उसमें आपको क्या मिलता है उन सब कारों में वीडियो में बात करेंगे। और ये जो कैंपर अपन को प्रोवाइड करा है श्री काकाजी ऑटोमोटिव्स ने, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर और आपको लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरुआत करें इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको ऐसे कुछ उसके हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि आपको पुरानी बोलेरो वाले ही अभी तक यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो कि हेलोजन है। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी जो टर्न इंडिकेटर, उसके लिए आपको टर्न इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएगी। उसमें आपको अलग आप बाद में इसमें एसेसरी के तौर पे यहाँ पे क्रोम वगैरह कुछ लगवा सकते हैं। जैसे आपको उस बोलेरो में दिख रहा होगा तो क्रोम वगैरह, तो आप यहाँ पे क्रोम डिस्को करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेटल बम्पर, मतलब आपको BS6 में अपग्रेड होने के बाद में आपको भी मेटल बम्पर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई फॉग लैंप वगैरह कुछ नहीं मिलते, उनके लिए आपको स्पेस मिल जाती है, जो कि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रंट में टोइंग हुक, क्योंकि कैंपर है तो इसका जो ऑफ रोडिंग का काम वो ज़्यादा ही होगा, तो आपको इसके अटकने की चांसेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टोइंग हुक महिंद्रा ने यहाँ पे आपको क्लियरली दिया है, ताकि आप इसको कहीं भी अटकने के बाद सीधा ऐसे निकलवा सकें। यहाँ पे आपको जो ब्रांडिंग, यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह के लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। जैसे इसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको माला वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको फ्रंट में ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है इसकी। यहाँ पे आपको दो लाइनिंग में क्रोम मिलेगा। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, क्योंकि कमर्शियल में ऐसा आता है, और आपको प्राइवेट में ट्विन स्पार्क लोगो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहीं पर रिफ्लेक्टर, जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ, काफ़ी मतलब फ्रंट से देखने में जो कैंपर वो काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है। ज़्यादा साइड में आपको क्या पिकअप ट्रक, मतलब इसको एक तरीके से पिकअप ट्रक बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बोलते हैं ना, जैसे अब हर फोर व्हीलर गांव वालों के लिए जीप होती है, तो ऐसा वाला आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब इसको कैंपर के नाम से ही जाना जाता है, तो मैं भी आपको कैंपर ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हालांकि इसको आप एक तरीके से पिकअप ट्रक भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बोलेरो कैंपर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है स्ट्रिप्स, जो कि इसके अलग अलग कलर ग्राफिक्स हैं, आपको रेड, ग्रे और आपको ये दो का तीन कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको येलो टर्न इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पे आपको हालांकि इस साइड आपको कोई भी क्लाइडिंग नहीं मिलती, इस साइड से वहाँ तक जैसे आपको बोलेरो वगैरह मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लाइडिंग नहीं दी गई है। ऐसे कुछ इसके वाइपर, यहीं पे वॉशर मिल जाता है, जो कि अनदर एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मेरे को लगी, क्योंकि इसके जो वाइपर, जो मतलब इसका फ्रंट लुक है, वो पूरा बोलेरो इंस्पायर्ड यहाँ पे आपको रखा गया। मतलब महिंद्रा की बोलेरो ले लो, महिंद्रा बोलेरो का पिकअप ले लो, या फिर बोलेरो कैंपर ले लो, मतलब इनके लुक सब में आपको सेम ही मिलते हैं, क्योंकि महिंद्रा की जो ये वाली बॉडी शेप है बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब महिंद्रा, जैसे महिंद्रा ने बहुत सारी कारियाँ लॉन्च कर दी, फिर भी ये कार अभी भी टॉप सेलिंग में आपको मिलती है। यहीं पर मैं आपको दिखा चुका हूँ ऐसे कुछ मिलते हैं। इसके ORVM जो कि ब्लैक में मिलते हैं आपको, ब्लैक आउट ORVM आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो डोर ओपनर के लिए यहाँ पे आपको ऐसे कुछ इंजन मिलते हैं, क्योंकि यही आप इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं सकते। मतलब जो लोगों को, और लोगों को यही पसंद है, लोगों को बिल्कुल रोज चीज़ें पसंद होती है, तो लोगों को यही पसंद है, और सबसे ज़्यादा सेल भी यही होता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है जो फुट रेस्ट है, ऐसा आप इसके अंदर एंट्री दे सकते हैं। और आपकी नीड भी है, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लगेगा, तो जगह चाहिए आपको ऊपर चढ़ने के लिए, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे आपको मड गार्ड मिल जाते हैं, जो कि अनदर एक अच्छी चीज़ है। इसको आप बॉडी ग्लाइडिंग बोल सकते हैं, मतलब आगे से इससे पीछे का पोर्शन बिल्कुल अलग आपका जाता है। किसी ज़्यादा मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। इसकी जो टायर प्रोफाइल है, इसमें आपको मिलते हैं, इसमें आपको गुडियर के टायर मिल जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 235/75R15। आपको 15 इंच का टायर आपको मिलेगा। यहीं पर आपको उसका एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है, मतलब इसमें आपको ना पीछे एग्जॉस्ट नोट मिलता है, आपको एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे पीछे बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में पीछे के टायर के पीछे यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है इसका, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसका आप एक्सेस यहाँ से इसको इसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ मेरे को लगी। इसमें आपको नीचे उतर के एक्सेस करना पड़ेगा, हालांकि इसमें आपको इसमें फ्यूल का यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मिल जाती है इसकी टेल लाइट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आपको नीचे ब्रेक लाइट मिल जाती है, ऊपर आपको टेल लाइट, यहाँ पे रियर लैंप आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है। इसका जो लीड है, तो इसको मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे उसको भी मैं ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ओपन करने के बाद ऐसा कुछ नज़र आपको ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप मतलब बैठ के आराम से मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेन जो नीड होती है मतलब जिनके मतलब बोलेरो यहाँ पे जो जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, जिनको वर्कर लाने जाने या जो डीजल वगैरह लाने थे ड्रम बरबर के, तो उनके लिए मेनली इसका यूज़ होता है। यहाँ पे आपको अंदर से कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे आपको दोनों टाइप हम्प टायर के हम्प यहाँ पे आपको मिलेंगे। वापस कर देते हैं इसको, लो कैपेसिटी वो आपको अपने स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। आपको दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यहीं पे आपको मिल जाते हैं मड गार्ड, जो कि आपको पीछे टायर की छिटे उड़ो से इसको बचाएंगे, आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आप चलते सीधा अंदर अंदर आपको, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले इसमें आपको खबानी सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको खबानी सिस्टम मिलेगा, जो कि इसको एक्स्ट्रा लोड, जैसे लोग अभी इसकी कैपेसिटी कम से ज़्यादा लोड लेके जाते हैं, उसमें आपको खबानी सिस्टम दिया है कंपनी लोगों से ज़्यादा होशियार। तो यहाँ पर आपको खबानी सिस्टम दिया गया, जिससे आपकी जो शॉक एब्जॉर्ब वो भी काम करेगा, और आपकी जो अगर गाड़ी ओवरलोड हो जाती तो भी आपको इतना कुछ यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलते सीधा अंदर अंदर आपको क्या मिलता है उसके हम बात कर लेते हैं। शुरुआत कर इसके फ्रंट डोर से, बिल्कुल प्लेन डोर मिलेगा आपको यहाँ पे कुछ। यहीं पे आपको डोर ओपनर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि इसको पकड़ के इसका डोर आपको लगा भी सकते हैं, इसी आपको यूज़ आएगा। इसमें आपको पावर विंडो मिलती है, चारों पावर विंडो स्विच आपको यहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर से ही डलवाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एसी कंट्रोल, इसमें आपको एसी भी मिल जाता है, जिसमें आपको तीन की ब्लोअर स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी एकदम, ये है ऐसे इसका एसी आप चालू कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, हालांकि जो कि एक अनदर मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी, लेकिन इसमें आप म्यूजिक सिस्टम बाहर से डलवा ही सकते हैं। अगर आप इसमें ट्यूटिन वाला डलवाएंगे तो आपको 2-3 हज़ार में आपका काम निमट जाएगा। यहीं पर आपको मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको 6-5 हज़ार तक मार्किंग मिल जाती है। ब्लोलर वाला सेम आपको यहाँ पे मिलता है, ट्रिप मीटर ओडोमीटर सब आपको वही मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है सनवाइजर, जिसमें आपको कोई भी मिरर यहाँ पे नहीं दिया गया, इस साइड भी आपको कोई भी मिरर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। केबिन लाइट, इसी के भरोसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो शोरूम में भी लाइट नहीं है वो जा चुकी है, तो अभी मेरे को लेट भी हो रहा है, तो मेरे को जल्दी जल्दी निपटाना है। यहीं पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों, पर काफ़ी हार्ड मेरे को हैंड ब्रेक लगी। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि इसमें आपको थोड़े बहुत सोन पपड़ी वगैरह, जो इसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो ये सब आपको यहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंडल, जिसको आप पकड़ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मेरे को लगी। इसकी जो सीट आपको स्लाइडेबल मिलती है, ना कि हाइट एडजस्टेबल, मुझे नहीं लग रहा इसमें होगी हाइट एडजस्टेबल सीट। इसमें आपको नहीं मिलती है, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पे आपको नहीं दी गई है, क्योंकि आप इसमें उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ऐसा कुछ आपको 3 पेडल मिल जाएंगे, स्टेयरिंग व्हील ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका बोनट आपको क्लियरली विजिबल मिलता है, तो ये सब हो गया अंदर अंदर से बात। आप चलते पीछे आपको ये मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीछे के डोर पर आपको कोई भी सेम वही चीज़ मिलेगी, आपको यहाँ पर कोई पावर विंडो स्विच यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। एंट्री लेते हैं सीधा अंदर, तो देखो इसके सीट बेल्ट की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सीट बेल्ट की डंडी ऐसी दी है कंपनी ने, जिनकी हालत इधर उधर चलती रहेगी। हालांकि इसमें कोई लगाता नहीं है सीट बेल्ट वगैरह, पुलिस को देख के लगा लेते हैं, बस ऐसा ही कुछ होता है। तो आपको थोड़ी जो उसके किट विट वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इस साइड भी आपको सब मिलता है। पावर विंडो स्विच आपको आगे ही मिलती है, हालांकि पीछे आपको कोई पावर विंडो स्विच यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। इसकी जो हाइट है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मतलब बैठने में आपको पीछे भी एडजस्टेबल ही मिलते हैं। तो ये सब हो गई फीचर्स की बात, अब करते हैं मेन बात करके इंजन स्पेक्स की। तो ये तो हो गई सारे इसके फीचर्स की बात, अब मेन बात करके इंजन स्पेक्स की। तो इसका की जो इंजन स्पेक्स है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और ये क्या कॉस्ट करिए आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप श्री काका जी ऑटोमोटिव पर संपर्क कर सकते हैं, जिनकी डिजिटल लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके और वीडियो देखने के लिए अंकित धाकड़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।